Honorable members, there have been enough reflections on Dr. B.R. Ambedkar. Leader of the opposition was very focused. I hope he was here. But it was a glorious moment for me as a member of parliament in 1989 that it was during our tenure of 9th Lok Sabha that we could give the great man something that was long overdue, Bharat Ratna. Professor Manoj Jha. Shukriya. Shukriya, Sabhapati Mahoday. Bahut bahut dhanyawad. Aaj ka din behad mahatvapurn hai. Aur is mahatvapurn din ke शुक्रिया मैडम मैडम मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें मैं यहां से बोल रहा हूं इधर इधर मैं यहां से बोल रहा हूं शुक्रिया बहुत अच्छा अवसर है कि आप यहां आई हैं कितनी खुशी हो रही है बता नहीं सकता आज सुबह माननीय सभापति महोदय ने कहा था कि ह्यूमर वगैरह हमारी जिंदगी से चला गया तो मुझे स्मरण है ये किताब मैं एक ही किताब लेके आया हूँ ऐसी 5 किताबें हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स की तो इसमें सर ऐसी 5 किताबें हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स सो माननीय उपसभापति जी एक मिनट प्लीज माननीय उपसभापति जी 75 कैसे बनाया जा रहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से 75 जोड़े तो 2021 में पूरा होता है अगर आजादी से जोड़े तो 2022 में पूरा होता है और अगर पहली लोकसभा से जोड़े तो वो 2027 में पूरा होता है तो ये 75 की गणना कहां हुई किस ज्योतिषी ने की मुझे नहीं पता मेरे हिसाब से 75 नहीं है लेकिन 75 वाली फील में अपनी बात रखूंगा हाँ तो माननीय उपसभापति जी हुआ यूं कि सरोजनी नायडू जी को बुलाया गया बोलने के लिए संभवतः 11 दिसंबर 1946 को कम लोगों को यहां पता होगा कि सरोजनी नायडू जी बिहार से चुनकर संविधान सभा में आए थे तो उनको चेयरमैन साहब ने कहा कि अब बुलबुले हिंद नाइटिंगेल ऑफ इंडिया आएंगी लेकिन कविता में अपनी बात कहेंगी प्रोज में नहीं कहेंगी उन्हें थोड़ा बुरा लगा मजाक में ही सही उन्होंने कहा कि आपका अब ये व्यवहार आपका ये कहना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो उन्होंने कहा नहीं फिर भी सुनाना होगा तो उन्होंने एक चीज सुनाई जो मैं पेशे नजर कर रहा हूं माननीय सभापति जी को सुबह बड़ी बेसब्री से वो कह रहे थे कि ह्यूमर चला गया तो उन्होंने सुनाया कि बुलबुल को गुल मुबारक गुल को चमन मुबारक रंगीन तबीयतों को रंगे सुखन मुबारक तो ये मैं ये बता रहा हूं कि ये हमारा ध्येय था अब सुबह चर्चा की हमारे लीडर ऑफ द हाउस ने बड़ी खूबसूर्त चर्चा की और जिक्र किया सर्वपल्ली राधाकृष्णन का यहां ठीक सामने सर्वपल्ली राधाकृष्णन उन्होंने एक बात कही थी और मैं वो श्लोक पढ़ना चाहता हूं मृदुना दारुणं हंती मृदुना हंत्या दारुणम मृदुना दारुण हंती मृदुना हंत्य दारुणम ना साध्यं मृदुना किंचित तस्मात तीव्र तरंग मृदु इसका आशय यह है माननीय सभापति उपसभापति जी कि अग्रेशन से अग्रेसिव बिहेवियर से आप चीजें हासिल नहीं कर सकते इस देश में मेरे विद्वान साथियों ने उधर से उपलब्धियां गिनाई हमारे कुछ विद्वान साथियों ने यहां से कमियां गिनाई मैं दोनों के बीच में चुनौतियां गिनाना चाहता हूं चुनौतियों की वजह से आज हम यहां हैं और सिर्फ हम ही नहीं है 140 करोड़ लोगों का यह भवन है चाहे नया वाला हो या पुराना वाला हो तो आज के दिन यह मेरी ओर से एक विदाई भाषण भी है अपने दल की ओर से इस इमारत को जिस इमारत में हिंदुस्तान की तकदीर लिखी गई संविधान सभा के माध्यम से और वो तकदीर लिखने वाले संकीर्ण दायरों में नहीं सोचते थे मैं उस पर आऊंगा थोड़ा 2 मिनट के बाद माननीय सभापति जी बहुत चर्चा होती है 47 में बंटवारा हुआ था इस देश का बंटवारे के बावजूद
उतनी घृणा उतनी नफरत पीड़ा के बावजूद नहीं थी। अभी हाल में एक रोमिला जी की किताब आई, वो कहती है बड़ी खूबसूरती से, हैव वी मूव्ड फ्रॉम इंटीग्रेटेड नेशनलिज्म टू सेग्रीगेटेड नेशनलिज्म, क्या हम एकीकृत राष्ट्रवाद से एक विभाजित विखंडित राष्ट्रवाद की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि यह इमारत इसकी बुनियाद मेलजोल पे है। इसकी बुनियाद में बंटवारे के बावजूद बंटवारा नहीं हुआ। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा, सरकार जरूर बनाइए, अगला चुनाव भी लड़ेंगे, खूब दिल से लड़ेंगे, इंडिया भी रहेगा भारत भी रहेगा, कोई में से एक चॉइस नहीं है, क्योंकि हमको इंडिया भारत करके जम्बू द्वीप तक नहीं जाना है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि वो जो मेलजोल की सीमेंट है उसका खात्मा हो रहा है, उसको बचाइए। माननीय सभापति जी, मैं दो व्यक्तियों के मध्य में अपनी कुछ बात रखना चाहता हूं। संविधान सभा में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जवाहरलाल जी लेके आए, और संविधान सभा में जब ड्राफ्ट सबमिट हुआ तो बी आर अंबेडकर ने वो ड्राफ्ट सबमिट किया। तो मैं सिर्फ कहता हूं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बहुत सारी बातें थी, ये प्रस्तावना के बारे में, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के बारे में काफी कुछ बोल चुके हैं, सॉवरेनिटी गिरवी ना चली जाए, मौलिक अधिकारों के मामले में। हमें आपके पीछे एक तराजू है, वो तराजू हमें लगाना होगा कि मौलिक अधिकार में कहां पहुंचे, सॉवरेनिटी में कहां पहुंचे, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के मसले पे कहां पहुंचे। हाई फ्लाइंग वर्ड्स डोंट कवर अप आवर फेलियर्स, लेट्स नॉट लुक फॉर दैट। और एक मसला आया, उन्होंने एक जिक्र किया ओथ ऑफ टेनिस कोर्ट। माननीय सभापति जी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जब बड़ी शिद्दत से लोग काम में लग गए अधिकारों पर बात करने के लिए, तो राजा को शुरू में परेशानी नहीं हुई, लेकिन राजा को लगा कि कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे खुराफात की बू आ रही है। उसने क्या किया, दरवाजे बंद करवा दिए जिस हॉल में वो लोग बैठते थे, वो चले गए दूसरे दरवाजे रूम में, उसको भी बंद करवा दिया, तो वो चले गए टेनिस कोर्ट में, सारी कार्रवाई पूरी की, उसको कहा ओथ ऑफ टेनिस कोर्ट। ओथ ऑफ टेनिस कोर्ट का जिक्र जवाहरलाल जी ने इसलिए किया था कि हमारे अंदर वो जज्बा हो, इमारत बनाने बिगाड़ने से इबारतें नहीं बदलनी चाहिए, हमारा जज्बा वही होना चाहिए जो ओथ ऑफ टेनिस कोर्ट में जवाहरलाल जी हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ने कहा। अब आते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा। माननीय सभापति जी, आप जिस इलाके से आती हैं, मैं जिस इलाके से आता हूं, वहां ये बातें बड़ी प्रबल है। आजादी का मूल्यांकन होगा तो इस आधार पर होगा कि राजनीतिक आजादी, सामाजिक आर्थिक आजादी में कितनी तब्दील हुई, अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई। उन्होंने कहा था कि एक दिन एक ज्वालामुखी बन जाएगा, और मैं उस ज्वालामुखी को बनते देख रहा हूं। वो इसलिए बनते देख रहा हूं कि जब मैं देखता हूं कि बिहार के जातिगत सर्वेक्षण पे देश के सॉलिसिटर जनरल कोर्ट में खड़े हो जाते हैं, तो मैं देखता हूं ब्लॉक करने की कोशिश हो रही है। यह एस्पिरेशनल वर्ग है, पिछड़ों की बड़ी आबादी, उसके एस्पिरेशन को आप सोशल डेमोक्रेसी के नजरिए से देखिए। जो बाबा साहब कह गए थे 31 में आखिरी हुई, उसके बाद पाकिस्तान बांग्लादेश बना, क्या इस देश को, यहां की सरकारों को, राज्यों की सरकार को वैज्ञानिक आंकड़े नहीं चाहिए? क्या आप आंकड़े आसमान से गिराएंगे? मैं समझता हूं आज के दिन यह भी हमें सुनिश्चित करना होगा कि हम इन आंकड़ों को लाएं, उसके आधार पर अपनी नीतियां तय करें। एक माननीय सभापति जी, अंबेडकर साहब दो और चीज कह के गए, प्रिवेंटिंग टिरनी ऑफ मेजॉरिटी। मैं बार बार इस सदन में कह चुका हूं कि मेजॉरिटी बेहद आवश्यक चीज है, मेजॉरिटी के बिना सरकार नहीं चलती है, लेकिन मेजॉरिटी और मेजॉरिटेरियनिज्म में फर्क, ये फर्क अगर हमारी सरकार भूल जाती है तो बहुत बड़ी पीड़ा होती है। जब मेरे मित्र ने कहा, मैं अक्सर देखता हूं हम जैसे लोग छोटी आलोचना भी करते हैं, छोटी मोटी आलोचना जो कभी व्यक्तिगत नहीं होती है, आप कहते हो कि पाकिस्तान चले जाओ, अरे कभी देखा भी हो कितनी जगह है वहां, वहां का भूगोल क्या है, इतने लोग नहीं अट पाएंगे। मान लीजिए कि 65% लोगों ने आपको पिछली बार वोट नहीं किया, सबको पाकिस्तान भेज दोगे, ऐसी कोई व्यवस्था होती है? यही मेलजोल से रहना है, यही मिलकर रहना है। और ये सारी चीजें मैं नहीं कह रहा हूं, खुद अंबेडकर साहब कह के गए थे। मैडम, आपकी तरफ से मैं एक और चीज, एक दो छोटी चीज कह करके, इस देश की एक बड़ी आबादी
सभापति महोदया, मैं आपका सभापति महोदया अभी बिल मत, दो मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं, आज पहली बार है, इतने नजरिए इनाद कर दीजिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि बेरोजगारी को लेकर के हमारा दृष्टिकोण साफ होना चाहिए। सरकार में आप हो हम हो, बेरोजगारी हम सबकी पॉलिटिक्स खत्म कर देगा। राइट टू एम्प्लॉयमेंट के लिए हम क्या सोच रहे हैं, और इस देश की एक बड़ी आबादी से देशभक्ति का जो प्रमाण पत्र हम मांगते हैं ना मैडम, वो कहीं चलेगा नहीं। मैं आखिरी चीज कह करके एक एक सुनाना चाहता था, मैं इसलिए कहता हूं, एक घर में 5 सदस्य हैं, उसमें हर 5वां सदस्य उस आबादी का है। अगर उस घर में उस 5वें सदस्य को आप एलिनेट करेंगे, दूर करेंगे, घर कभी महफूज नहीं रह सकता। और आखिरी में मैं साहिर को जाता हूं और वहीं खत्म कर दूंगा, आपको घंटी बजाने की जरूरत नहीं पड़ती। आओ कि आज गौर करें इस सवाल पर, देखे थे हमने वो हंसी ख्वाब क्या हुए, दौलत बढ़ी तो मुल्क में अफलास क्यों बढ़ा, खुशहाली आवाम के असबाब क्या हुए, जो अपने साथ साथ चले कुएदार तक, वो दोस्त वो रफीक वो अहबाब क्या हुए। क्या मोल लग रहा है शहीदों के खून का, क्या मोल लग रहा है शहीदों के खून का, मरते थे जिन पे हम वो सजाए याब क्या हुए। बेकस बरहनगी को कफन तक नहीं नसीब, वो बादा आए अतलसों के मुखाब क्या हुए। जमहूरियत नवाज बशर दोस्त अमन ख्वाह, खुद को जो खुद दिए थे वो अलकाब क्या हुए। मजहब का रोग आज भी क्यों ला इलाज है, मजहब का रोग आज भी क्यों ला इलाज है, वो नुस्खा हाय नादिर व नायाब क्या हुए। हर कूचा शोला जा रहे हर शहर कतलगा, यक जहतिया हयात के आदाब क्या हुए। सहराए तीरगी में भटकती है जिंदगी, उभरे थे जो उफक पे वो माताब क्या हुए। मुजरिम हूं अगर मैं तो गुनाहगार तुम भी हो, मुजरिम हूं अगर मैं तो गुनहगार तुम भी हो, ए रहबराने कौम खताकार तुम भी हो। जय हिंद मैम, एंड सैल्यूट टू ऑल द फ्रीडम फाइटर्स, संविधान सभा के उन तमाम लोगों को। और मैं चाहूंगा कि सेंगोल के बगर में एक बड़ी आकृति में इनकी तस्वीरें वहां लगाई जाएं और हमें प्रेरणा देते रहें। जय हिंद, धन्यवाद। श्री वीरेंद्र प्रसाद बोइसिया।